हेलो एंड वेलकम आर डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राज इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड स्टडी कर रहे हैं। और आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन। अब इस क्वथनांक में उन्नयन को समझने से पहले हमको एक टॉपिक ऐसा पढ़ना है जो आपको पता है, और वो भी हम नए तरीके से बताएंगे, और उस टॉपिक का नाम है बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। तो आइए हम लोग अच्छी सी हेडिंग डाल लेते हैं कि क्वथनांक। तो जब तक हम हेडिंग डाल रहे हैं तब तक जिसको जिसको पता है कि क्वथनांक क्या होता है वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। जिसको जिसको पता है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाए और अपना अपने विद्वता का प्रदर्शन करे कि किसको किसको पता है बॉइलिंग पॉइंट। भाई सिंपल से बोलोगे कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। या बोल दोगे कि उबलने लगता है द्रव तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोल देते हैं। सही है, लेकिन अब इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होगी। इंप्रूवमेंट क्या होगी, जैसे ये देख लीजिए, ये हमारे पास एक क्या है, कंटेनर है। क्या हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें हमने क्या फिल कर दिया है, वाटर यानी कि जल फिल कर दिया। एकदम ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट की नई डेफिनेशन जो आपको समझाने चल रहे हैं तुरंत समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसमें वाटर फिलअप है। अब आप जानते हैं कि जहां पे ये कंटेनर रखा हुआ है इसके चारों तरफ क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा यानी कि वायुमंडल होगा, ठीक है, वायुमंडल होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि हम इसको अब क्या करेंगे, टेम्परेचर की बात हो रही है ना, तो टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे, हीट करेंगे इसको, ठीक है, हीट भी कर दिए। अच्छा, हीट करने के बाद अब आप एक बात तो जानते हैं कि जो वेपर जो प्रेशर लगाता है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं, यानी कि वाष्प जो दाब लगाता है उसको वाष्प दाब कहते हैं, और ये जो एटमॉस्फेयर है आपका, है ना, वायुमंडल है, ये जो दाब आरोपित करता है उसको हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, जैसे ही हमने हीट दिया इसके वेपर बनेंगे। अच्छा, जैसे ही वेपर बनेंगे अब क्या होगा, वेपर को ऊपर उठने से रोकेगा कौन, उसको अपोज कौन करेगा, वायुमंडलीय दाब, है ना। अरे भाई ऊपर से नीचे की ओर क्या लगेगा, वायुमंडलीय दाब लगेगा, है ना, वायुमंडलीय दाब लगेगा। और अब इधर की ओर क्या लगेगा, आपके वाष्प का दाब लगेगा, वाष्प का दाब लगेगा, है ना, वाष्प का दाब लगेगा। तो एक ऐसी कंडीशन जहां पे ये जो आपका वाष्प दाब है, वाष्प दाब डेफिनेशन में कहने को तो ये है कि वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब दोनों इक्वल हो जाएं, लेकिन आप एडजेसेंस समझिए कि हल्का सा ज्यादा होता है। अब जैसे ही ये इससे यानी कि वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो जाएगा तो अब वाष्प दाब वाष्प क्या होगा, ऊपर की ओर उठ जाएगा, है ना, तो हम क्या कह देते हैं कि वो उबल रहा है, है ना। तो बस यही डेफिनेशन है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर वायुमंडलीय दाब और उस द्रव का वाष्प दाब दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो आइए आराम से हम लोग इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हमने हेडिंग लगा ही लिया है, तो आइए सब लोग मिलकर लिख लेते हैं क्या होगा कि किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर वायुमंडलीय दाब तथा उस द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। यह बराबर रहता है, है ना, वही क्या होगा उसका, अब बराबर कहने का मतलब हमने बता दिया कि हल्का फुल अब ज्यादा हो ही जाएगा ना, लेकिन हाँ इसकी प्रक्रिया यहां जैसे ही बराबर होगा यह प्रक्रिया क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। अब हमको क्या समझना है, अब हमको समझना है क्वथनांक में उन्नयन, क्या समझना है, क्वथनांक में उन्नयन। चलिए अब एक बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक शुद्ध विलायक होगा, है ना, कोई एक शुद्ध विलायक होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहां पे एक कंटेनर में क्या ले लिया है, वाटर ले लिया। एकदम ध्यान से देखिएगा, हमने इस कंटेनर में वाटर ले लिया है। अच्छा, इसका क्वथनांक कितना होता है, आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
चलिए ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई अवाष्पशील विलेय, जैसे कि मान लो हम लोग शुगर ले ले रहे हैं, शुगर ले ले रहे हैं, अब इसको इसमें मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से एकदम देखना, हमने एक अवाष्पशील विलेय लिया और उसको हमने इसमें मिक्स कर दिया, तो जो हमारा जो हमारा शुद्ध विलायक जल था उसको जब हम बॉइल करते तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा था। अब हमने चीनी डाल दिया है और चीनी क्या है, अवाष्पशील विलेय है ना। अब क्या ये जो चीनी है, जब इसको फिर से हम बॉइल करेंगे तो क्या चीनी जो है वो बॉइल होना चाहेगा, क्योंकि अब ये विलयन बन चुका है और चीनी बॉइल नहीं होना चाहेगा क्योंकि वो अवाष्पशील विलेय है ना। तो भाई चीनी तो वाष्पित होना नहीं चाहेगा, इसका मतलब कि अब ये जो विलयन बन गया है, देखिए सबसे पहली बात, जो हमारा वाटर था है ना, जो हमारा वाटर था, हम कोई शुद्ध विलायक, किसी भी शुद्ध विलायक में कोई भी अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका जो वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है, कोई शुद्ध विलायक है ना, ध्यान से एकदम समझना, कोई शुद्ध विलायक है, इसमें हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया, अब ये क्या बन जाएगा, ये एक विलयन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। अब ये विलयन बन गया, ठीक। अब इस विलयन के बनने के पश्चात अब इसका जो क्वथनांक होगा, सॉरी क्वथनांक की बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर होगा, यानी कि वाष्प दाब जो होगा वो क्या होगा, जो विलयन बन चुका है अब इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा ना। अरे भाई जो वाटर था वो तो क्या होगा, वाष्पित होना चाहेगा, लेकिन जो शुगर हमने इसमें डाला है, जो शुगर डाला है वो तो अवाष्पशील विलेय है, वो तो वाष्पित होना नहीं चाहेगा। इसका मतलब कि जो नया हमारा ये जो विलयन बना है ना, क्या बन गया है, ये जो विलयन बन गया है, विलयन, इसका जो वेपर प्रेशर होगा है ना, वेपर प्रेशर, यानी कि हिंदी में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं, ये वेपर प्रेशर, ये जो है इसके शुद्ध विलायक के वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा है ना, वेपर प्रेशर। फिर से एकदम ध्यान समझना, हमने पहली बात क्या बताई कि हमारा शुद्ध विलायक था उसमें हमने एक अवाष्पशील विलेय मिला दिया है ना, जो शुद्ध विलायक था उसका क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस हमने कह दिया जो जल था हमारा, अब जब इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिए तो अब जो हमारा क्वथनांक है, सॉरी फिर क्वथनांक बोले हैं, जो हमारा वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर अब क्या होगा, विलयन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो अवाष्पशील विलेय मिलाए हैं वो तो वाष्पित होना नहीं चाहेगा। अब टोटल जो विलयन बन गया है, जब ये अवाष्पशील विलेय वाष्पित ही नहीं होना चाहेगा, तो अब इसको क्या, इसको वाष्पित करने के लिए हमको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, एकदम एक एक पॉइंट समझिएगा, ठीक है। तो भाई अब विलयन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो विलायक का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा। दो बात एकदम याद हो गई होगी, क्या शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर ज्यादा ही रह जाएगा और जो हमारा विलयन बन गया है इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। हमने अभी बता दिया कि जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, कि किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर वायुमंडलीय दाब तथा उस द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, ठीक है। चूंकि शुद्ध विलायक जो है उसका वेपर प्रेशर क्या है, इससे ज्यादा है, किससे, विलयन के वाष्प दाब से है ना, ये ज्यादा नहीं हुआ था, इसके मुकाबले ये ज्यादा है, ठीक है। तो अब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा है, तो इसको वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, या ये जो विलयन का वाष्प दाब है, ये जो कम हो चुका है, इसको वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, किसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, अरे भाई ये जो है ये वेपर प्रेशर इसका ज्यादा है विलयन का, विलायक का, और विलयन का वेपर प्रेशर कम है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए हमको ये जल्दी पहुंच जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, क्योंकि ये इसके मुकाबले ज्यादा है, लेकिन विलयन का वाष्प दाब इसके मुकाबले, विलायक के वाष्प दाब के मुकाबले कम है, तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए हमको उच्च ताप पर गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी है ना। तो अब जब इसको ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, इसको कम हीट देनी पड़ रही है, तो इन्हीं दोनों के जो हीट हम दे रहे हैं, इन्हीं दोनों टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। नहीं समझे, आइए इसकी डेफिनेशन को हम लोग लिख ले रहे हैं, पूरी प्रोसेस को फिर से हम बता दे रहे हैं, पूरा प्रोसेस फिर से बता दे रहे हैं। क्या बोले कि भाई हमारे पास शुद्ध विलायक था, हमने इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया और हमने दिखाया,
अब भाई चाशनी होती है और वाटर हमारा जल होता है, जो जल होगा उसका क्वथनांक वो जल्दी उबल जाता है और उसमें चीनी डाल दो तो वो देरी में उबलता है कि नहीं उबलता है, सीधी सी बात है। तो वही बात है, क्या बात हुआ था, जो शुद्ध विलायक था हमारा उसमें हमने जैसे अवाष्पशील विलेय मिलाया तो ये अवाष्पशील विलेय वाष्पित तो होना नहीं चाहेगा, बॉयल तो होना नहीं चाहेगा, तो इसी कारण से इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, क्या होगा, ये कम हो जाएगा और इसकी वजह से इसके कंपैरिजन में विलायक का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो अब इस वेपर प्रेशर को वायुमंडलीय एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने के लिए हमको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, किसकी तुलना में, विलयन की तुलना में, है ना, इसकी तुलना में इसको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा लेकिन इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो बस विलयन का जो विलयन को जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए और विलायक को जो टेम्परेचर दे रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए, इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो आइए इसको क्लीन कर लेते हैं और फिर हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो लिख लीजिए भाई, बहुत आसान से डेफिनेशन है, क्या हो जाएगा कि विलयन व शुद्ध विलायक की विलयन व शुद्ध विलायक के क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समरी पूरा ले लेते हैं। ठीक है, क्या होगा समरी, किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर वायुमंडलीय दाब पर उस द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, जिस पर वायुमंडलीय दाब तथा उस द्रव का वाष्प दाब आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, हमने बताया कि जब किसी शुद्ध विलायक में हमने अवाष्पशील विलेय मिलाया, चूंकि अवाष्पशील विलेय क्या होता है, वाष्पित नहीं होना चाहता है, इसका मतलब कि उसका वाष्प दाब डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है एज कंपेरिजन दैट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि विलायक के, विलायक के कंपैरिजन में क्या होगा, उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, यानी कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा रह गया था, तो चूंकि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा रह गया था तो उसको वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए कम टेम्परेचर देना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ज्यादा है ना, लेकिन जो विलयन बन गया था उसका वाष्प दाब क्या हो गया था, कम था ना, तो उसको हमको ज्यादा उच्च ताप तक गर्म करना पड़ेगा, है ना, तो विलयन को ज्यादा ताप देना पड़ा, है ना, और विलायक को कम ताप देना पड़ा, है ना, तो दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब आइए इसको हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। अब हम यहाँ पे क्या ग्राफ बनाते हैं, किसके किसके बीच में, जो वाष्प दाब होता है वेपर प्रेशर हमारा और जो ताप यानी कि क्वथनांक जो होता है, इन दोनों के बीच में ग्राफ के माध्यम से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आइए समझते हैं, जैसा कि हम बता के ही आ रहे हैं, क्या बता के आ रहे हैं कि इसको फिर से लिख दे रहे हैं, हम ये बता के आ रहे हैं कि कोई भी हमारे पास शुद्ध विलायक होगा, शुद्ध विलायक की बात कर रहे हैं और इसमें अवाष्पशील विलेय हम मिला दिए थे, तो इसके बाद जो विलयन बन गया था, विलयन बन गया था ना, ये जो विलयन बना है इसका वाष्प दाब जो होगा ये क्या होगा, कम होगा और इसका वाष्प दाब जो होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, है ना, हम बता दिए थे रीजन वगैरह सब समझा दिए थे। तो इसके लिए अगर किसके लिए, विलायक के वाष्प दाब के लिए अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये कुछ ऐसे बनेगा, है ना, देखिएगा एकदम ध्यान से, कुछ ऐसे बनेगा, है ना। अच्छा, अब अगर विलयन के वाष्प दाब की बात करें, है ना, ये क्या है आपका विलायक है, विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है, ये आपका विलायक का वाष्प दाब है। अच्छा, विलयन के वाष्प दाब की बात करें तो चूंकि वाष्प दाब है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कैसे ध्यान से देखिएगा एकदम, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक, ये होगा हमारा, ये क्या होगा, विलयन होगा, ठीक है, विलयन लिख दे रहे हैं, ये किसका वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है। ठीक, अब देखिए, अब आप जान रहे हैं कि क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक वो टेम्परेचर होता है या वो कंडीशन होती है जहां पे जो वाष्प दाब है
जो जो भी विलयन था हमारा या द्रव था जो हमारा, उसका वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो ऐसा मान लीजिए कि ये कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 1 atm, तो ये मान लीजिए कि ये कहीं आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, ये 1 atm ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब आप खुद ही देखिए कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां पे जो क्वथनांक है, मतलब कि जो हमारा वेपर प्रेशर है, ये वाष्प दाब है ना भाई, ये जो ये वेपर प्रेशर है और ये क्या है, ये जो हम दाब हीट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में, अरे भाई ये 1 atm ये आपका क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और वाष्प दाब ये जो ऐसे जा रहा है, वाष्प दाब जो जा रहा है ये दोनों आपस में इक्वल कहां है, तो विलायक के लिए कुछ इस पॉइंट पे इक्वल है ना, और विलयन के लिए कुछ इस पॉइंट पे दोनों इक्वल है, इस पॉइंट पे है ना। वाष्प दाब कहां पे वायुमंडलीय दाब के बराबर है, तो इस पॉइंट पे विलायक के लिए और इस पॉइंट पे विलयन के लिए। अब आप स्वतः खुद ही देख लीजिए, क्या देखेंगे कि जो हमको विलयन के लिए जो क्वथनांक है वो क्या है, वो विलायक के क्वथनांक से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमको यहां पे जो हमारा विलयन है इसको वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए हमको देख लीजिए ज्यादा हीट देनी पड़ रही है। जैसे जैसे इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और किसकी तरफ जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ, इसको ये जो विलायक था इसको वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए इतनी हीट देनी पड़ी, लेकिन विलयन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए हमको ज्यादा हीट देनी पड़ रही है। ऐसा मान लीजिए कि जो विलायक है इसका, इसको जो हमने ताप दिया यानी कि जो इसका क्वथनांक था उसको मान लीजिए अगर टीबी है ना, टीबी नॉट मान लीजिए, ठीक है, और जो हमारा विलयन है इसका, इसको जो हमने ताप दिया इसको अगर टीबी मान लीजिए, टीबी, तो इन दोनों के ही डिफरेंस को हमने क्या कह दिया था, इन दोनों के ही डिफरेंस को हमने क्वथनांक में उन्नयन कह दिया था। तो यानी कि यहां से हम समझ जाएंगे, एक फार्मूला हमको मिलता है कि जो डेल्टा टीबी होता है यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, ये ऑलवेज इक्वल होता है किसके, टीबी माइनस टीबी नॉट के। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया है ना, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। तो ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था कि कैसे हम समझेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है, ये भी जानते रहिए कि एक्सपेरिमेंट से एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है कि प्रयोग दर्शाते हैं कि तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी जो होता है वो विलयन में उपस्थित विलेय की मोलल सांद्रता के बराबर होता है ना। अब इसका कहने का मतलब कि जो हमारा डेल्टा टीबी है, एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है कि जो डेल्टा टीबी है ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, विलेय के मोलल सांद्रता यानी कि हम मोललता की बात कर रहे हैं, तो ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है यम। अच्छा, अब आप जानते हैं कि, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी मोललता होती है, मोललता इसका फार्मूला क्या होता है, मोललता का फार्मूला क्या होता है, अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, किसमें, केजी में, तो अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, वो भी किसमें, केजी में है ना, कि ग्राम में, ठीक है। या अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, डेल्टा टी बी इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा रहे हैं तो हम यहां क्या लिख देंगे, के बी इंटू एम। तो ये हमारा एक नया फार्मूला बन गया है ना, दो फार्मूले में प्राप्त हो गए हैं। अच्छा, ये के बी क्या है, इसको हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका एक नाम और है, क्वथन मापी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वथन मापी स्थिरांक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वथन मापी स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी भी डेफिनेशन अगर हमको बनानी हो, या सबसे पहले इसका जान लीजिए कि इसका ऊपर हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग बात किस करेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक की है ना, तो आइए इसको मिटा दे रहे हैं, समझ तो गए होंगे। अगर इसके मोलर उन्नयन स्थिरांक के यूनिट की बात करें, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, डेल्टा टीबी है हमारा इक्वल टू केबी इंटू क्या है, हमारा एम है। तो अगर
के बी हो जाएगा, तो के बी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन एम हो जाएगा। तो डेल्टा टी बी इसका क्या होगा, केल्विन होगा इनटू, अब ये एम है तो ये पलट जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, किग्रा हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो केल्विन इनटू किग्रा पर मोल होता है किसका, किसकी किसकी यूनिट की बात कर रहे हैं, के बी यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक के यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर के बी की हमसे डेफिनेशन कोई पूछ लेता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन क्या, मोलर उन्नयन स्थिरांक, अब इसकी कोई डेफिनेशन पूछ लिया तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये देखिए के बी हमारे पास डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इनटू एम है, अगर हम ये जो m है इसको 1 ले लें तो जो डेल्टा tb हमारा है वो किसके बराबर हो जाएगा, kb के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहां से डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक ग्राविलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य को मिलाने पर, है ना, एक ग्राविलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य को मिलाने पर वो जो उन्नयन हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। तो जो हम बोले हैं इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक सॉसपेन पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 1 ग्राम जल में घोला गया है। 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, यानी कि जो यह जल मतलब कि जो अब सॉल्यूशन बन गया है, विलयन किस ताप पर उबलेगा, मतलब कि हमसे विलयन का क्वथनांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विलयन का क्वथनांक हमसे पूछ रहा है, ये क्या होगा, है ना। तो भाई एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, टी बी माइनस टी बी नॉट, जहां पे ये किसका होता है, ये हमारा विलयन का होता है, और ये किसके लिए होता है, ये हमारे शुद्ध विलायक के लिए होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, शुद्ध विलायक के लिए, यानी कि टी बी हमारा क्या हो जाएगा, टी बी विलयन का क्वथनांक हमसे पूछा है, टी बी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी प्लस टी बी नॉट, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। लेकिन 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 उसके लिए हमें सबसे पहले डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा, है ना, डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा टीबी निकालते हैं। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू आप लोग क्या जानते हैं, के बी इंटू एम जानते हैं, है ना। एम क्या है, हमारी मोललता है। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप जानते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या, क्या होता है, अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार, वो भी किसमें, केजी में, किग्रा में। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू KB, अब KB की वैल्यू कितनी दी है, 0.52 दिया गया है, 0.52 दिया गया है, इनटू अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय हमारा क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, C6H12O6 होता है, तो सॉल्यूट हमारा ये है, तो इसके लिए मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, W अपॉन M हो जाएगा, N इक्वल टू W अपॉन M हो जाएगा, है ना। तो W कितना दिया हुआ है, ग्लूकोज कितना, 18 ग्राम है, 18 ग्राम हो जाएगा, है ना। 1 मोलों की संख्या कितना दिया है, मोलों की संख्या दिया नहीं, C6H12O6, इसके मोलों की संख्या निकालेंगे, अब निकालना तो आप लोग जान गए हैं, और अगर इसकी मोलों की संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको इतना निकालने के बाद अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा, यानी कि ग्लूकोज के जो 18 ग्राम ग्लूकोज है उसको हम 0.1 मोल भी कह सकते हैं। तो आइए, अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या हमको पता चल गई, और वो कितनी है, 0.1 मोल है, अपान। अब विलायक का भार कितना दिया हुआ है, विलायक का भार हमारा दिया गया है 1 किग्रा, अब ये पहले से दिया गया है 1 किग्रा, तो बस 1 किग्रा हो जाएगा। तो जो डेल्टा टीबी हमारा आएगा, डेल्टा टीबी ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.052, है ना, इतना केल्विन आ जाएगा, केल्विन, है ना। ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा के बी आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है विलयन का क्वथनांक, है ना, इस जल का, यानी कि विलयन का क्वथनांक हमसे पूछ लिया है। तो विलयन का क्वथनांक टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से
टीबी डेल्टा टीबी तुमको पता चल गया, अब डेल्टा टीबी नॉट। तो भाई एक बात आप एकदम से नोट कर लीजिए, आपके एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि 1.013, ये जो 1.013 बार दाब है इस पर जो जल होता है इसका क्वथनांक होता है 373.15 केल्विन। कितना होता है? 373.15 केल्विन, यानी कि इस पर यह उबलने लगता है। ठीक है, किस पर? इस दाब पर उसका क्वथनांक कितना होता है? 373.15 केल्विन, शुद्ध विलायक यानी कि जल का। ठीक है, यह फिक्स होता है, इसको लर्न कर लीजिए। तो अभी कैसे निकालेंगे? आप समझ गए आप ना कि ये जो हमारा प्रेशर दे दिया है इसके देने का मतलब आप क्या समझ लेंगे कि डेल्टा वो सॉरी टी बी नॉट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 373.15। तो अब बस डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी बी माइनस टी बी नॉट। तो ये हो जाएगा कितना? टी बी की वैल्यू कितनी निकाल के आ रहे हैं, सॉरी अब टी बी की वैल्यू निकालनी हमको। टी बी क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी प्लस टी बी नॉट। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.052 प्लस टी बी नॉट की वैल्यू कितनी है? 373.15। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 373.202 केल्विन। ठीक, ये क्या आ गया? टी बी हमारा आ गया, यानी कि टीबी क्या था हमारा? विलायक का क्वथनांक था, यानी कि यह जल किस ताप पर उबलेगा, यानी यह जल मतलब जो विलयन बन गया है, तो यह 373.202 केल्विन पर उबल जाएगा, यानी कि इसका क्वथनांक कितना होगा? 373.202। आइए आगे की न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो अब की बार जो न्यूमेरिकल हमारा वो सेम टू सेम प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह है, केवल और केवल डिजिट आदि कर दी गई है। कैसे? देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज था 9 ग्राम हो गया, एक ग्रह जल था 500 ग्राम हो गया, है ना। फिर से हम इसको हल कर दे रहे हैं। ठीक, ये 2018 में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फिर से वही बात हमसे पूछ लिया, अब की बार डायरेक्ट ये बोर्ड में आया हुआ है, अब की बार डायरेक्ट पूछ लिया विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, हम क्या जानते हैं? डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, ये जानते हैं। ये किसका होता है? ये विलयन का होता है ना, और ये किसका होता है? ये विलायक का होता है ना, विलायक का होता है। तो चलिए ध्यान देते हैं क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। हम जानते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलता होता है। अच्छा, अब डेल्टा के बी इक्वल टू सॉरी डेल्टा टी बी इक्वल टू है ना, के बी की वैल्यू कितनी दी है? 0.52 है ना, इंटू अब मोललता बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या है ना। अब अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? n इक्वल टू n किसका? सॉल्यूट का अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या w अपॉन m। w कितना दिया हुआ है? 500 ग्राम जल में 9 ग्राम ग्लूकोज, तो 9/180 है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा? 9 × 18 तो 1/20। तो 1/20 कहने का मतलब कि कितना हो जाएगा? 0.05 हो जाएगा क्या? हाँ, 0.05 हमारा हो जाएगा। ठीक, इतने मोल, इतने मोल। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 0.05 मोल। तो रख देते हैं क्या हो जाएगा? अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कितना हो जाएगी? 0.05 मोल अपान विलायक का भार किसमें? कि ग्राम में। तो अब विलायक का भार यहां 500 ग्राम दिया गया है, 500 ग्राम मतलब 500 ग्राम कहने का मतलब कितना? 500 ग्राम मतलब कि 1/2 केजी, यही तो होगा भाई, हाँ 0.5 केजी। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 0.5 केजी। ठीक, चलिए आइए करते हैं क्या हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? 0.52 इंटू 0.1। तो अब जो हमारा क्वथनांक आ जाएगा किसका? विलयन का, सॉरी क्वथनांक में उन्नयन आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.052 केल्विन। ठीक, ये हमारा क्वथनांक में उन्नयन आ गया। अब वही बात, विलयन का क्वथनांक ये है और विलायक का ये है। अब विलायक का कैसे पता चलेगा? क्योंकि 1.013 बार दे दिया गया है ना, गिर गया 0.013 बार दे दिया गया है, और इस समय इस सिचुएशन में जो जल का क्वथनांक होता है वो हम बता चुके हैं कितना होता है? 373.15 केल्विन। कितना होता है? 373.15 केल्विन। बस पुट कर देना है तो क्या हो जाएगा आपकी बार? डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट। तो टीबी हमको निकालना है, तो डेल्टा टीबी वही आंसर आएगा, टीबी नॉट। तो अब तो जोड़ ही लोगे ना,
0.052 प्लस 373.15 केल्विन, जोड़ लोगे तो आ जाएगा 373.202 केल्विन, है ना। तो यही हमारा आ गया टीबी। तो सेम टू सेम पिछले वाले की तरह था, बिल्कुल सेम। अच्छा, एक सवाल 2019 में भी आया है, उसको दे रहे हैं। अब आप उस, आप लोग उसको ट्राई कीजिए और उसमें आंसर आएगा 0.26 केल्विन, आंसर भी बता दे रहे हैं, ठीक है। उसको आप लोग ट्राई कीजिए, हम मिटा के उस क्वेश्चन को यही लिख दे रहे हैं। चलिए उस क्वेश्चन को भी लिख दे रहे हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्या है क्वेश्चन, 3 ग्राम यूरिया को, है ना, ऊपर लिख दे रहे हैं और एकदम इसी की तरह है, एकदम इसी की तरह है, ठीक है। क्वेश्चन, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, और जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी की वैल्यू याद हो गई होगी 0.52 केल्विन के ग्रा पर मोल, ठीक। किस सन में आया है, यह आया है 2019 में, ठीक, 2019 में आया हुआ है, बहुत तरीके से पूछ सकता है। अच्छा, अब एक अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, हम मोलर मास पूछ लेता है ना। चलिए आइए नए न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, चलिए अब इस नए न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। अब ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखिएगा सॉल्यूशन, किसी विलयन में 3.3 ग्राम अवाष्पशील विलेय 125 ग्राम बेंजीन में घुलित है, शुद्ध विलायक बेंजीन का क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस जबकि विलयन का क्वथनांक 80.66 डिग्री सेल्सियस है, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात क्या, हम डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं, तो डेल्टा टीबी हमारा क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, है ना। टीबी किसका है, विलायक विलयन का है, और टीबी नॉट किसका है, विलायक का है। तो विलयन का, विलायक का क्वथनांक कितना दिया है 80 डिग्री सेल्सियस, और विलयन का क्वथनांक कितना दिया हुआ है 80.66 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा 18.66 डिग्री सेल्सियस माइनस 18 डिग्री सेल्सियस, इट विल बिकम 0.66 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया 0.66 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे क्या क्या रहा है, अब हमसे कह रहा है कि क्या निकालना है, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब जानते हैं हम लोग सीन्स, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी क्रॉस एम। अब एम क्या है, बोलता है, बार बार इसकी इसके सूत्र के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, इतनी बार आप लिख चुके हैं, फिर से बोलते रहे, अवाष्पशील विलयन में अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार के ग्राम में। चलिए तो डेल्टा केबी, अब यहां क्या, यहां से क्या हो जाएगा, सॉरी केबी की वैल्यू कितनी दी है, केबी की वैल्यू हमारी, केबी की वैल्यू क्वेश्चन लिखना भूल गए, तो केबी की वैल्यू 3.28 लिख लीजिएगा, केबी की वैल्यू 3.28 केल्विन के ग्राम पर मोल, ठीक। तो केबी की वैल्यू दी गई है, केबी की वैल्यू कितनी दी है 3.28 इंटू अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या, तो अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या डब्ल्यू अपॉन एम, विलेय यहां पे क्या है 3.3 ग्राम है, कितना है 3.3 ग्राम, तो ये 3.3 अपॉन एम, यही यही तो निकालना है, मोलर मास मोलर द्रव्यमान यही तो निकालना है। तो आप मोललता की जगह पे क्या रख देंगे, अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या, तो हो जाएगा 3.3 अपॉन एम, अब पूरे के बटे अपान विलायक का भार किसमें कि ग्राम है, तो विलायक यहाँ पे कितना है 125 ग्राम है, तो 125 अब ग्राम है, इसको कि ग्राम में करने के लिए 1000 का भाग दे देंगे, तो जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो पूरी वैल्यू, अब सॉरी डेल्टा टीबी की वैल्यू तो हम लोग निकाल के आ रहे हैं 0.66 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा टीबी की वैल्यू भी रख देंगे, है ना। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितना निकाल के आ रहे हैं 0.66 डिग्री सेल्सियस
तो आफ्टर सॉल्विंग इट, जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, तो जो m मोलर मास की वैल्यू आएगी 131.2, इतना आएगा आपका ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक, तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे, बहुत आसान सा सवाल था। अच्छा, अब सेम इसकी तरह एकदम सेम ऐसे ही एक न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ना, यूपी बोर्ड एग्जाम में। अब उसको हम लोग देख लेते हैं, और उसको सबसे पहले आप देखिए और खुद से ट्राई कीजिए पहुंच करके, इसके बाद हम ट्राई करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कहता है कि 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक वृद्धि 56.88 डिग्री सेल्सियस तक पाई गई। कार्बनिक यौगिक का आणुभार ज्ञात कीजिए, एसीटोन का क्वथनांक 56.38 डिग्री सेल्सियस तथा केबी की वैल्यू इतनी दी हुई है। हल्का सा 2018 में जो क्वेश्चन आया उसमें हल्का सा केबी की वैल्यू हमने चेंज किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो क्वेश्चन गलत आया हुआ है। जो 2018 में आया हुआ है उसमें केबी की वैल्यू कितनी दी है, 16.7 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। वैसे मुझे लगता है 1.67 सेल्सियस की ग्राम पर मोल होना चाहिए, लेकिन कि इसलिए हम केबी की वैल्यू ये रख के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पक्का वो मिस्टेक है। ठीक, अब हो सकता है अब कभी आएगा अगर तो इम्प्रूव हो गया है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ठीक, तो सॉल्यूशन आइए देखते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहली बात तो क्वथनांक वृद्धि 56.88 डिग्री सेल्सियस तक पाई गई, यानी कि विलयन का क्वथनांक कितना हो गया 56। हम जानते हैं ना डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। ये किसका होता है, विलयन। ये किसका होता है, विलायक का। विलयन का कितना दिया हुआ है 56.88 डिग्री सेल्सियस, टीबी नॉट यानी कि विलायक का कितना दिया हुआ है 56.38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ले देख के वैल्यू कितनी आ गई 0.55 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये क्या है आपका मोलल, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसमें किसमें, हाँ क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। अब आगे हम जानते हैं कि सिंस टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू एम होता है। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आई है 0.55 आई है, इक्वल टू केबी की वैल्यू कितनी आई है, केबी की वैल्यू आई है हमारी दी है 1.72 है ना, इंटू अब फिर मोललता अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या, तो अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या ऊपर, विलायक का भार किग्रा में नीचे। तो अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या कहने का मतलब कि n इज इक्वल टू सोल्यूट के लिए w अपान m। तो सोल्यूट कौन है, कार्बनिक यौगिक, उसका ग्राम कितना, उसका मात्रा कितना है 0.707 ग्राम अपान m, m ही तुमको फाइंड आउट करना है। हाँ, अपान विलायक, अब विलायक कितना दिया हुआ है 10 ग्राम दिया हुआ है, तो 10 ग्राम को जब हम लोग किग्रा में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे। अब इसको इधर उधर करके जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लग रहा है, m की वैल्यू आएगी 243.2 ग्राम पर मोल आ जाएगी। ठीक, मिस्टेक हो सकता है इस आंसर में, एक बार देख लीजिएगा सॉल्व करके, होगा सॉल्व ऐसा ही। ठीक, तो उम्मीद है कि ये सवाल भी सवाल हल हो गया होगा आपको। तो जहां तक है, अगर अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आता है तो पक्का जितना न्यूमेरिकल लगवा है इसमें से कोई ना कोई एक फंस सकता है या डिजिट चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब हम देख लेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संबंध, सम इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप रिलेटेड विद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे पहला रिलेशन लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ऐसा मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि केबी नहीं दिया है ना, केबी की वैल्यू ही नहीं दी है, तो केबी की वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो केबी की वैल्यू के लिए एक फार्मूला है कि एम इंटू आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन डेल एच वाष्पन इंटू 1000, जहां पे केबी आप जान रहे हैं क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, और एम क्या है, विलायक का आणुभार है, डेल्टा एच वाष्पन क्या है, वाष्पीकरण की मोलल उष्मा है ना, और इसकी वैल्यू और एक कुछ होती है, ये होती है एल बी क्रॉस एम है ना, जहां पे एल बी क्या है, शुद्ध विलायक की गुप्त उष्मा प्रति ग्राम। ठीक, अच्छा ये आर क्या है, ये आर है हमारा गैस स्थिरांक, इसकी वैल्यू डिपेंडेंट होती है किस पे, डेल्टा एच की वैल्यू पे। अगर जूल है तो क्या हो जाएगा 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और अगर कैलोरी में है तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब डेल्टा एच की वैल्यू की जगह, डेल्टा एच वाष्पन की जगह अगर हम एल वी क्रॉस एम रख दें, यहाँ पे एल वी क्रॉस एम, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा और डेल एच की जगह क्या हो जाएगा एल वी। तो जो नया हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, के बी इज इक्वल टू, ऐसे भाई देखिए भाई, के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम
आर टी बी नॉट स्क्वायर अपॉन एल वी क्रॉस एम इंटू 1000। तो अब ये क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल, तो अब हमको मिला क्या, kb is equal to r into tb square upon lb cross 1000। और tb क्या है, विलायक का सामान्य क्वथनांक है, और lb क्या है, शुद्ध विलायक की गुप्त ऊष्मा प्रति ग्राम मात्रा है। ठीक, अच्छा अब इसको अगर हम ये जो r की वैल्यू गैस स्थिरांक है, हमने बताया कि जैसे डिपेंड, मान लीजिए अगर 2 कैलोरी हम वैल्यू रख दें, मान ले कैलोरी में दिया गया है, तो फिर kb की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into tb square upon lb into 1000, तो it will be 0.002 TB square upon LB। तो ये फार्मूला भी हमारा बन गया, इसको डायरेक्टली हम KB के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे दिया है कि जल के लिए LB की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 540 कैलोरी पर ग्राम, और इसके लिए टेम्परेचर T की वैल्यू कितनी होगी, 100+273 यानी कि 373 केल्विन होगी। ठीक, तो इसके लिए अगर हमें KB फाइंड आउट करना हो गया तो क्या होगा, बस ये फार्मूला लगा देते हैं, 0.002 into TB square upon LV, LV की वैल्यू हमको दी गई है, पुट कर दिए 0.002 into 373 का स्क्वायर अपॉन 540, और जो हमारी आंसर आएगा वो आएगा 0.5153 केल्विन के ग्रा पर मोल। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था, शायद अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आ भी सकता है यूपी बोर्ड में। तो हर एक टॉपिक को मन लगा के पढ़िए, और उम्मीद है कि अब अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आता है तो जितना आज हम आपको पढ़ाए हैं उसमें से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और फिर अगले लेक्चर मिलते हैं इसके अगले आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बब्बा।